हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स गार्डन प्रो। आज के क्लास में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी हमेशा IBPS PO, SBI PO, RRB PO के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दो तरह की इनइक्वालिटी होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल इनइक्वालिटी सिंपल, और एक होता है कोडेड। अगर कोडेड इनइक्वालिटी पूछ दिया तो सोचिए कि क्वेश्चन को क्या कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, मॉडरेट टू हाई कर रहा है। और अगर नॉर्मल इनइक्वालिटी है तो क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट है। तो हमेशा ये PO के एग्ज़ाम में, SBI PO के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है एग्ज़ाम में, क्या हमारा बेस्ट अप्रोच होना चाहिए कोडेड इनइक्वालिटी के लिए। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 क्वेश्चन को आपको आज कर दिखाएंगे, और देखिएगा कि कोडेड इनइक्वालिटी अगर आप इस तरीका से करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको हार्डली 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। आप आराम से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और सीखते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले आ गए हैं, आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि ये जो इसका इंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है। क्वेश्चंस में आपका लिखा रहेगा P@Q, मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। P%Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q। P#Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P$Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P*Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन Q। देखिए, ये है आपका कोडेड इनक्वालिटी। अब इसको क्या करना है आपको, इसको नॉर्मल बनाना होगा, ठीक है। नॉर्मल बनाने के बाद जब क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चन में भी उसे अप्लाई करना होगा। देखिए, आप क्या कीजिएगा कि P@Q है, यानी कि हर जगह क्या हो रहा है कि P को सब्जेक्ट बनाया जा रहा है और Q को ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। कभी भी देखिए, इस तरह से टिपिकल प्री का एग्जाम में नहीं करेगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर दे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर चेंज कर रहा है तो सोचिए कि वो आपको आपके क्वेश्चंस का लेवल को और ज़्यादा वो हाई कर रहा है, ठीक है। हालांकि नहीं करना चाहिए, और अब तक नहीं किया है, ये हमेशा प्री के एग्जाम में पूछा जाता है, अन्यथा मेंस के एग्जाम में तो ये पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस है। और चूँकि मेंस में आपका बस 40 मार्क्स का, किसी में 50 मार्क्स का, किसी में 80 मार्क्स का भी होता है, 60 मार्क्स का होता है हाई। तो ऐसा है कि कोडेड इनइक्वालिटी में आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट को पकड़ना है। जैसे P@Q है, तो आप देखिए P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। पहले P को रखा, फिर Q को रखा। P में देखिए, दूसरा में परसेंट वाला में पहले P को रखा, फिर Q को रखा। हैच वाला में भी देखिए, पहले P को रखा है, बाद में Q को रखा है। डॉलर वाला में भी देखिए, पहले P को रखा है, बाद में Q को रखा है। और इस तरह से देखिए आप कि P को सब्जेक्ट बना रहा है, यानी कि P को पहले लेकर आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि सीधा सीधी आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि P जो पहले आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं एट का मतलब क्या लिख रहा है, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। तो ना तो ग्रेटर देन होना चाहिए और ना ही इक्वल टू होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा, बचा क्या इनइक्वालिटी में, एक सिंबल बचा जो लेस देन का बचा। इक्वल टू भी नहीं होगा, ग्रेटर देन भी नहीं होगा, तो लेस देन ही यहाँ पर होगा। तो एट का मतलब लेस देन, यानी कि एट का मतलब लेस देन। तो जैसे ही इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करने जाएंगे तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन को उठाते हैं, जैसे A@B, यानी कि आपको ए और बी लिखना है और उसके बीच में आपको क्या करना है। जैसे आप क्या करते हैं, आप A@B का मतलब आप यहाँ पर ए और बी लिखिएगा, ऐसे A B लिखिएगा, और AB के बीच में आपको बस इस सिम्बॉल को ला के हूबहू लिख देना है, एज इट इज लिख देना है। देखिए, ये हो गया AB, ठीक है। जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको भली भांति समझ में आएगा कि इसको और भी इस तरह से इतना आसानी से कैसे करना है, ठीक है। चलिए, परसेंट का मतलब बोल रहा है कि मीन्स पी इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। देखिए, ना तो स्मॉलर होना चाहिए और ना ही इक्वल होना चाहिए। स्मॉलर भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। P#Q मतलब देखिए, पी नॉट ग्रेटर देन क्यू। अब देखिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा तो बचा क्या, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू हैच का मतलब लिख दिए,
डॉलर का मतलब लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि बोल रहा है कि डॉलर का मतलब बोल रहा है पी इज नॉट स्मॉलर देन, केवल स्मॉलर देन नहीं होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। और स्टार का मतलब देखिए बोल रहा है कि नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, मतलब क्या होगा इक्वल टू होगा। तो ये देखिए ये था, ठीक है। तो देखिए ये इतना आसान है कि इसको बनाते हैं, चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसके आधार पर, ठीक है। तो पहला हम लोग उठाते हैं क्या, पहला स्टेटमेंट को उठाते हैं, पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से देखिए, ए एट बी, बी परसेंट सी, सी स्टार डी, डी डॉलर ई। आपको क्या करना है ए एट बी, यानी कि आपको क्या करना है ए और बी को लिख देना है, तो आप क्या कीजिएगा थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको उसके उधर भी बढ़ सकते हैं, हम लोग उसके इधर भी बढ़ सकते हैं। तो ए एट बी तो थोड़ा सा स्पेस लेकर लिख दिए ए बी, ए बी एट का मतलब हम लोग लिख देंगे एज इट इज, लेस देन का सिंबल डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पर बी में ख़त्म किया तो यहाँ बी से ही शुरू हो रहा है, बी परसेंट सी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ सी लिख देना है और बीच की जगह में परसेंट का मतलब ग्रेटर देन का साइन डाल देना है। इसी को आपको स्पीड करना होगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा। अब देखिए सी से ख़त्म हुआ तो सी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको डी डाल देना है, यानी कि इस इक्वालिटी में हम लोग राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी हम लोग लेफ्ट की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डी दिया है तो डी डाल दिए, स्टार का मतलब देखिए क्या दिया हुआ है इक्वल टू, आप यहाँ पर इक्वल टू डाल दीजिए, क्लियर। चलिए अब देखिए डी से ख़त्म हुआ तो डी से ही शुरू हुआ तो ये ई, तो ये थोड़ा सा प्री का एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसका लेवल को मॉडरेट रखेगा, हाई नहीं करेगा, ठीक है। तो डॉलर, डॉलर का मतलब आप देखिए क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज, आप लिख दीजिए। चलिए ये हो गया मेरा, इसको हम लोग क्या कर लिए इसके कॉर्ड को क्या कर लिया डिकॉर्ड कर लिया। अब चलते हैं कंक्लूजन में, कंक्लूजन आप पहला उठाइए, देखिए पहला, पहला में बोल रहा है कि बी ई। अब देखिए बी ई हर बार क्या करता है कि इसको हम लोग को लिखने का ज़रूरत पड़ता है, और ये जो है ना कंक्लूजन हम लोग को लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जब इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आप देखिएगा बी ई परसेंट का मतलब क्या ग्रेटर देन, तो बी ग्रेटर देन ई, आप सीधा सर्च कीजिएगा क्या बी ग्रेटर देन ई है, देखिए हाँ बी ग्रेटर देन ई है, यहाँ ग्रेटर देन है तो स्ट्रिक्ट सिंबल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है, तो ग्रेटर देन ही आ जाएगा, तो बी ग्रेटर देन ई करेक्ट हो जाएगा एक नंबर, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि आप ऐसे लिखिएगा बी ई परसेंट का मतलब आप लिख दीजिएगा ग्रेटर देन, यहाँ जो इसे दिखाया गया है ग्रेटर देन, ठीक है। अब ये आ गया आपका बी ग्रेटर देन ई, यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा भी लिख लेते हैं, ये तो हमारा सही हो गया ना, देखिए बी, और यहाँ देखिए सारा एक ही तरफ घुमा हुआ है, इक्वल टू का मतलब होता है जिधर ये दो इक्वालिटी का सिंबल घूमेगा ग्रेटर देन और लेस देन, वो उधर ही घूर जाता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू उधर ही घूर जाता है। जैसे ये इक्वल टू है, ये सबके साथ क्या करता है न्यूट्रल रहता है, बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी, यानी कि बी ग्रेटर देन डी हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू ई मतलब कि बी ग्रेटर देन ई हो गया, तो ये मेरा सही हो गया, ठीक है। अब जैसे दूसरा है, इसका दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरा इसका क्या बोल रहा है कि ए परसेंट ई। अब देखिए फिर से परसेंट है, और परसेंट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, ए परसेंट ई, और देखिए परसेंट का मतलब हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन डाल देंगे और चेक कर लेंगे। तो ए ग्रेटर देन ई नहीं, यहाँ देखिए यहीं घूम गया, देखिए जब बीच का सिंबल एक दूसरे के तरफ क्या हो जाएगा फेस करके खड़ा हो जाएगा ना, तो क्या होता है जैसे इनइक्वालिटी का क्लास में आपको भली भांति इनइक्वालिटी को समझाए हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा पहला क्लास इस वीडियो में मैं इनइक्वालिटी पर ही लेकर आया था इस चैनल पर, आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो ए ग्रेटर देन ई ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन वन सही हुआ इसमें, तो ओनली कंक्लूजन वन सही, वन फॉलो किया तो वन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसे आपका दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से जैसे ओनली कंक्लूजन वन सही हुआ ना, तो एक नंबर मेरा क्या करना है मार देना है, ओनली वन, ओनली कंक्लूजन वन, एक नंबर हम लोग टिक मार देंगे आंसर में, ठीक है। तो अभी तो मेरा क्या हो गया ओनली वन, ओनली वन हो गया सही। चलिए हम लोग दो नंबर का करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दो नंबर का कैसे करना है, दो नंबर में आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ए स्टार बी, ऐसे ऐसे कुछ दिया हुआ है, चलिए हम लोग सीधा इसको लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही होगा, इसको बिना लिखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी को आपको स्पीड करना है, स्पीड कर लीजिएगा, ये हार्डली 2 से 2.5 मिनट में आराम से बना लीजिएगा, मैं बनाता हूँ 2 मिनट में 5 क्वेश्चन को। ए परसेंट बी, तो आप यहाँ ए बी लिखिए, देखिए परसेंट का मतलब आपको क्या होगा ना कि ये सिंबल जैसे आप प्रैक्टिस करने लगिएगा तो ये सिंबल भी आप इसको जो है ना इसको आप ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये परसेंट आपको दिमाग में क्या करना है कि इसके लिए एक डेटाबेस तैयार कर लेना है, परसेंट का मतलब ग्रेटर देन, एट का मतलब लेस देन, ऐसा ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। चलिए ए परसेंट सी, क्या दे ए परसेंट बी,
तो ए भी लिख दिए, परसेंट का मतलब ग्रेटर देन आपको यहाँ लिख देना है। अगर आप लोड नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको लिख कर भी कर सकते हैं, फिर भी ये 2 से 2.5 मिनट ही लेगा। क्या होता था कि पहले क्या करते थे कि मैं जब करता था इसको, तो मैं इसके लिए ऐसा बना लिया था कि एट का मतलब लेस देन, परसेंट का मतलब ग्रेटर देन, ऐसा ऐसा मैं 5 इक्वल टू को छोड़ देते थे, बाकी सबको 4 को ना दिमाग में क्या करते सेट कर लेते थे, फिर उसको धड़ाधड़ लिख कर इसको टिक मार के निकल जाते थे। फिर मेरा होता था, फिर भी देखिए कि उतना ज़्यादा हेडेक लेके भी फायदा नहीं है, आराम से लिख कर भी करते हैं तो ये 2 से 2.5 मिनट में हो जाता, तो फिर इतना हेडेक लेने का क्या बात है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। ए परसेंट बी आप बस इसी तरीका से प्रैक्टिस कीजिए, आपका होगा। ए परसेंट बी हो गया, ये देखिए ग्रेटर देन बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी से खत्म हुआ तो बी से ही शुरू हो रहा है, तो बी स्टार सी, यानी कि यहाँ पर सी लिखिए, स्टार का मतलब इक्वल टू, क्लियर है, स्टार का मतलब इक्वल टू। अब देखिए क्या है, सी से खत्म हो रहा है, सी से ही शुरू हो रहा है, मतलब आसानी करके दिया हुआ है। यहाँ पर डी लिखिए और क्या दिया हुआ है आपका, हैच दिया है, हैच का मतलब देखिए लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया, स्टार दिया है इक्वल टू ई। अब क्या करना है, कंक्लूजन को पकड़ लेना है, ए परसेंट सी। अब देखिए ए परसेंट सी मतलब ए ग्रेटर देन सी, देखिए ये मेरा दिमाग में सेट किया ना, अभी एक ही क्वेश्चन किए हैं कि परसेंट का मेरा सेट कर गया, तो ऐसे आपका सेट कर जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा ये चीज़। ए परसेंट सी का मतलब क्या हो गया, ए ग्रेटर देन सी। अब चेक कीजिए ग्रेटर देन सी क्या हो रहा है, हाँ ए और सी को पकड़िए, ए और सी को देखिए, दोनों के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन सही हो जाएगा, तो एक नंबर मेरा क्या हो गया, सही हो गया। दो नंबर को चेक करते हैं, चलो दो नंबर में क्या दिया हुआ है, ई डॉलर बी। तो डॉलर का मतलब हम लोग देख लेंगे, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दिए। ठीक है, ई ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अब चेक कर लीजिए ई ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यहाँ से चेक कीजिए, देखिए ये इक्वल टू है, इसको छोड़िए, ग्रेटर देन, बस ग्रेटर देन दो इक्वल टू है, तो ई ग्रेटर देन इक्वल टू बी मेरा सही हो जाएगा। तो इसमें बहुत मेरा सही हो गया, बहुत सही हो गया, यानी कि 5 नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक है, बहुत ट्रू। चलिए थर्ड नंबर को करते हैं, है स्टेटमेंट में देखिए ए स्टार बी, यानी कि ए स्टार बी मतलब देखिए मेरा सेट कर गया है, ए इक्वल टू बी, जितना यूज किए वो सेट कर रहा है। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस से आपका भी आएगा। ए स्टार बी, देखिए बी डॉलर सी, अब देखिए बी डॉलर सी है तो यहाँ पर लिख देंगे सी, डॉलर थोड़ा अभी सस्पेंस हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं, हालांकि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए डॉलर का, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सेट कर जाएगा ना, 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा सेट कर जाएगा। सी हैच डी, देखिए क्या है डी, हैच डी, अब हैच का मतलब हम लोग देख लेते हैं क्या है, हैच का मतलब लेस देन इक्वल है। उसके बाद क्या है, सी हैच डी हो गया, डी एट ई, एट ई है, देखिए शुरू में ही एट था तो लेस देन ई, ये हो गया। चलिए इसका कंक्लूजन देखिए, ई स्टार ए, यानी कि यहाँ आप लिखिए ई स्टार, स्टार का मतलब क्या, इक्वल टू, ई स्टार ए, स्टार का मतलब क्या, इक्वल टू, तो ई इक्वल टू ए हो गया। फिर सी परसेंट ए, और दो नंबर में क्या बोल रहा है, सी परसेंट ए, तो सी परसेंट का मतलब ग्रेटर देन, सी परसेंट ए। अब चेक कर लेते हैं, इक्वल टू ए क्या हो रहा है, इक्वल टू नहीं होगा, देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट सिंबल आ गया, इक्वल टू कभी नहीं होगा, ये काटिए ये गलत हो गया। सी ग्रेटर देन ए चेक कीजिए, देखिए ये सी है, यहाँ पर देखिए ये किधर घुरा हुआ है, सी के अपोजिट घुरा हुआ है, और बाकी इक्वल टू का मतलब होगा ही नहीं, ये भी नाइदर वन नॉट टू हो गया, नाइदर वन नॉट टू कहाँ है, 4 नंबर में सही है, तो 4 नंबर मेरा इसका आंसर हो गया ऐसे। ठीक है ना, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू क्लो। चलिए 4 नंबर का कर लेते हैं, 4 नंबर में देखिए मेरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ए डॉलर बी, ए डॉलर बी यानी कि डॉलर का मतलब ग्रेटर देन, फिर क्या दिया हुआ है, बी डॉलर सी फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू सी, स्टार डी इक्वल टू डी, एट ई ग्रेटर देन ई, एट ई नहीं सस्पेंस हो गया, लेस देन ई, चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका कंक्लूजन देखिए, एक नंबर क्या बोल रहा है, ए डॉलर ई फिर से ए ग्रेटर देन इक्वल टू E. ठीक है, 2 नंबर में देखिए ई परसेंट सी, परसेंट का मतलब क्या, ग्रेटर देन सी, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सेट हो गया ए ग्रेटर देन सी। चलिए अब देखते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई क्या सही है, नहीं देखिए ना ए और ई यहाँ एक्सट्रीम एंड में ई है और ए भी है और दोनों के बीच में एक दूसरे से अपोजिट खड़ा है, मतलब पीठ दिखा कर खड़ा है, ये गलत ही होगा, सही नहीं होगा। ई ग्रेटर देन सी चेक कीजिए, हाँ ग्रेटर देन या इक्वल टू ये हो जाएगा सही,
तो इसमें क्या हो गया, ओनली टू, ओनली टू कहाँ पर है, दो नंबर में, मेरा दो नंबर इसमें क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ये ऐसे करना है। ठीक है, चलिए पांच नंबर का कर लेते हैं, इस जगह में हम लोग पांच नंबर को आराम से कर लेंगे। तो देखिए फाइव नंबर का करते हैं, फाइव नंबर में स्टेटमेंट क्या है, ए परसेंट ई, यानी कि ए ग्रेटर देन ई, ई एट सी, एट सी यानी कि लेस देन सी, परसेंट बी यानी कि फिर से ग्रेटर देन बी, आप देखिए स्टार डी यानी कि इक्वल टू डी, यहाँ पर तो हमने कोई भी यहाँ से यूज नहीं किया, सारा मेरा दिमाग में कंटेंट हो गया था फाइव नंबर, फोर फाइव लगभग लगभग। ठीक है, चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं, एक नंबर का सी परसेंट डी यानी कि सी ग्रेटर देन डी, और दो नंबर में क्या है आपका बी एट ए यानी कि बी लेस देन ए। ठीक है, सी ग्रेटर देन डी चेक करते हैं, सी ग्रेटर देन डी बिल्कुल सही है, बी लेस देन ए, बी लेस देन ए नहीं, देखिए ये उधर घुरा हुआ है, ये इधर घुरा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ओनली वन, ओनली वन कहाँ है, एक नंबर में। तो यही है तरीका सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सॉल्व करना, बशर्ते कि आपको आना चाहिए, मज़ा है, मज़ा पूरा रीजनिंग में मज़ा है, मज़ा से काम कीजिए, सजा नहीं फील होगा, एग्ज़ाम भी निकलेगा, टाइम भी कम कंज्यूम होगा, माइंड भी आपका रिलैक्स रहेगा, रीजनिंग ऐसा टॉपिक्स है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा।